किठोर की जनता ने ठोर नहीं दी, सरकार भी गई, मंत्री पद भी गया, और तो और जनता ने विधायक ही छीन ली। महाशय अब ऐसे बौखलाए हैं कि इन्हें हार तो मंजूर है पर योगी मंजूर नहीं, और खाली बैठे बिठाए सीएम योगी के माइंड का आयतन माप लिया। शायद मंजूर शायद हार के सदमे से उभरे नहीं है। बुद्धि जब बट रही थी तो सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर अग्रिम पंक्ति में थे। ज्यादातर बुद्धि तो इन्होंने ही ले ली, इसलिए तो बड़े से बड़ा शुरमा भी इन्हें खुद के आगे हाफ माइंड लगता है। तो आदेश देने वाला हाफ माइंड है, उसकी बुद्धि खराब है। जब ऐसा हो जाए कि कब कहां किसे क्या कहना है, क्या कहना मर्यादा के खिलाफ है, इतने भी समझ ना बचे तो इसे बुद्धि का बोझ कहते हैं। तो कल आ जाऊंगा, लेकिन योगी के आदेश का क्या हुआ? 9 बजे तो सर पब्लिक ही नहीं आ रही, 9 से 11 का टाइम हो गया। तो आदेश देने वाला हाफ माइंड है, फिर उसकी बुद्धि खराब है। शाहिद मंजूर करने लगे आप शब्दों का इस्तेमाल, सीएम योगी को हाफ माइंड तक कह डाला, गुस्से में पढ़ाने लगे नैतिकता का पाठ। इसे सत्ता जाने की बौखलाहट भी कह सकते हैं। कुर्सी तो चली गई लेकिन कुर्सी पर बैठने की आदत नहीं गई। पूर्व मंत्री किसी काम को मेरठ के डीएम कार्यालय लेकर पहुंचे थे, कार्यालय में डीएम मौजूद नहीं थे, कुर्सी तो छोड़िए बोलने वाला भी कोई नहीं था। बस फिर क्या था, भड़क गए शाहिद मंजूर, और भड़कने के बाद जुबानी मर्यादा का मर्दन करने लगे। जरा वो भी देखिए। लेकिन योगी के आदेश का क्या हुआ? 9 बजे तो सर पब्लिक ही नहीं आ रही, 9 से 11 का टाइम हो गया। तो आदेश देने वाला हाफ माइंड है, फिर उसकी बुद्धि खराब है। अधिकारियों को वक्त की पाबंदी सिखाने लगे शाहिद मंजूर। सपा सरकार में अधिकारियों के रवैयों को भूल गए पूर्व मंत्री, सीएम योगी को हाफ माइंड और कम बुद्धि तक का बता दिया। नैतिकता सिखाते सिखाते अब शब्दों पर उतर आया सपा का पूर्व मंत्री। ऑफिस में मौजूद कर्मचारी को शाहिद साहब ज्ञान बांटने लगे। 12 बजने को आया था लेकिन डीएम दफ्तर में मौजूद नहीं थे। बस क्या था, बताने लगे कि 9 से 11 सीएम ने अधिकारियों को दफ्तर में रहने को कहा है। सीएम के इस आदेश पर बोलते बोलते बोलने की सीमा ही भूल गए, लिहाजा विरोधियों ने याद दिला दी। अब वो क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज हो रही है, अवैध कारोबारों पर रोक लग गई है, तो ई ट्रेंडिंग हो गई है, तो इसलिए ये परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। हताशा निराशा में ऐसी बातें कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता में इनके प्रति भयंकर जनाक्रोश है, तो ये घबराए हुए हैं। 15 सालों तक विधायक रहे, मंत्री भी रहे, राजनीति का लंबा अनुभव रहा, गद्दी के गुरूर में जब मान मर्यादा ही भूल गए तो जनता ने गद्दी से उतार फेंका। मुफ्तखोरी से हासिल सत्ता राजनीति नहीं सिखाती, कुर्सी तोड़ने की आदत लगा देती है, और जब सिर्फ कुर्सी तोड़ने की आदत लग जाए तो हालत शाहिद मंजूर जैसी ही होती है। कैमरामैन सोनू चौधरी के साथ अब्दुल कादिर मेरठ, समाचार प्लस।